आज हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। इसके पहले न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़े थे, दो होते हैं मेन, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सब मैंने बता दिया उसके बारे में। ऑटोट्रॉफिक मतलब दोज ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बनाते हैं उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उसमें दो टाइप था, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉप्स। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें भी थ्री टाइप्स थे, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक। ठीक है, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। होलो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हों और खुद भी लिविंग हों और जिससे अपना फूड ले रहे हैं वो भी लिविंग हो, उसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सेप्रोफाइटिक में क्या था कि दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड अनदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं उसे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब पढ़ना है थर्ड, होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है कि दोज ऑर्गेनिज्म फीडिंग डिपेंड दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन सॉलिड फूड, या ये भी कह सकते हैं कि दोज होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सॉलिड फूड को खाते हों या लेते हों न्यूट्रिशन के फॉर्म में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि द फूड मे बी होल प्लांट और होल एनिमल्स और इट्स पार्ट। उस सॉलिड फूड में कुछ भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं या उसके पार्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो फूड लेते हैं वह माउथ के थ्रू लेते हैं, एक ओपनिंग पोर होता है जिसे हम माउथ कहते हैं। जब हम फूड लेते हैं उस प्रोसेस को ईटिंग कहते हैं या इंजेशन कहते हैं। इंजेशन मतलब टेकिंग द फूड, जो फूड ले रहे हैं हम माउथ के थ्रू उसे ही इंजेशन कहते हैं या ईटिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि जो फूड लिए हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट में टूटते हैं। तो कह सकते हैं कि द लार्ज फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर फूड पार्टिकल्स इज नोन एज डाइजेशन। अब डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। ठीक है, एंड द अनडाइजेस्टेड फूड, हम जो फूड लेते हैं उसमें दोनों पार्ट होते हैं ना, डाइजेस्टेड भी होता है अनडाइजेस्टेड भी होता है। डाइजेस्टेड क्या होता है, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड है जो वेस्ट फूड होते हैं वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं बाहर की तरफ, और जो बॉडी से रिमूव होते हैं वेस्ट फूड उसे इजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो वर्ड लगभग सेम है, इंजेशन और इजेशन। इंजेशन मीन्स होता है टेकिंग द फूड को लेना, फूड को टेक करना, और इजेशन मीन्स होता है कि हमारे बॉडी से जो वेस्ट फूड है वो बॉडी से बाहर निकलते हैं उसे इजेशन कहते हैं। इस टॉपिक के बारे में हम लोग आगे इसी चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब देख रहे हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है उसको भी क्लासिफाई किया गया, उसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया उसके हैबिटेट के बेस पे।